उसमें सुशांत में लिखा हुआ है कि वो किस कारण से मारे जाएंगे, अगर मारे जाएंगे तो कौन कौन उनके चारों तरफ लोग हैं जो उनको धोखा दे रहे थे, किन लोगों से उनको खतरा था। आदित्य ठाकरे ही बॉलीवुड के मैक्सिमम क्राइम्स के पीछे हैं, जैसे वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सबके पीछे उनका हाथ है। और उन्होंने ये भी लिखा कि एक बार आदित्य ठाकरे ने उनको फोन किया था, फोन करके उनको धमकी दी थी। सुशांत सिंह राजपूत के अपने पास रखते थे कोई दवाई? सुशांत सिंह राजपूत को आखिरकार क्यों बोला गया था इतना गलत? आइए एक बार फिर से कुछ चीजें निकल के आ रही सामने जो कि न्यूज मीडिया ने छापी हैं, और इसी के बीच सुशांत मामला कब सॉल्व होगा इसको लेकर भी क्या कोई खबर निकल के आ रही है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। पर सुशांत मामले में जो खबरें निकल के आ रही है ये शायद अब आपको भी चौंकाने लग जाएंगी, क्योंकि यहां पर जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक खबर छापी गई है, जिस खबर में लिखा गया है अपने पास हमेशा कौन सी दवाई रखते थे सुशांत सिंह राजपूत, एक्टर को क्या थी परेशानी, क्या हुई थी कोई घटना, अब क्या बात है, ये तो आपको डिटेल में जब हम बताएंगे तब भी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये जो खबर छापी गई है, इस खबर में बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती हैं। हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार ये मामला है कैसा और क्या इसमें जो बातें बताई गई हैं उसका सच क्या है। अंकिता रिया को लेकर तो अब बहुत सारी चीजें सुन चुके हैं कि आखिरकार अंकिता ने भी 3 साल आते आते अपना बयान से पलटी मार ली है, वहीं पर रिया सच्ची, अंकिता सच्ची, उनको लेकर हम बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे कि सुशांत को लेकर क्या खबरें छापी जा रही हैं। आपको बता दिया जाए ये खबर निकल के आ रही है oneindia.com से, जहां पर लिखा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के दमदार एक्टरों में से एक थे, उनकी मौत आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक के लिए एक बड़ा सदमा था। उनकी मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगे थे, रिया ने इन आरोपों से साफ इनकार किया था और सुशांत के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई जगह पर इंटरव्यू भी दिए थे। इनमें से एक इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की शारीरिक समस्या के बारे में लोगों को बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत क्लेस्ट्रोफोबिया थे, उन्हें प्लेन या किसी छोटी बंद जगह में रहने से डर लगता था, ऐसे में सुशांत मेडाफिलिन नाम की एक दवाई हमेशा अपने पास रखते थे। सुशांत सिंह राजपूत को प्लेन में सफ़र करने से भी बहुत डर लगता था, ऐसे में वह हवाई यात्रा करने से पहले मेडिफ्लिन दवाई का सेवन करते थे। रिया ने इंटरव्यू में बताया था कि पहले उन्हें ये बात पता नहीं थी, लेकिन यूरोप ट्रिप पर जाने से पहले खुद सुशांत ने अपनी इस समस्या के बारे में एक्ट्रेस को बताया था। बात अब यूरोप ट्रिप की आई है, तो यूरोप ट्रिप पर जब सुशांत गए थे और वहाँ से जब लौट कर आए थे तब भी बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि सुशांत अच्छे खासे यूरोप ट्रिप के लिए गए थे पर वहाँ से जब तो वो बीमार हो गए थे, ऐसा भी दावा हुआ था। और यूरो ट्रिप में एक पेंटिंग देखकर सुशांत डर गए थे। अब सोचिए सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें कहा जा रहा है कि नासा की तरफ से चांद पर जाना था, नासा में ट्रेनिंग करने गए थे, वो खुद अपने प्राइवेट जेट को लेकर कहा जा रहा है कि ये बयान दे चुके हैं, ये दिखा चुके हैं वीडियो अपलोड करके कि उन्हें एरोप्लेन उड़ाना था, और वो इंसान डरता होगा। अब बातें तो बहुत बताई गई थी, इनमें से कहा जा रहा है कि आगे ये कहा गया, वही रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने इस बात को झूठा कहा था और लोगों को बताया था कि एक्टर को ऐसी कोई शारीरिक समस्या नहीं है। वहीं हाल ही में अंकिता ने रियलिटी शो बिग बॉस 17 में बताया कि सुशांत सिंह राजपूत क्लेस्ट्रोफोबिक थे, ऐसे में लोग अंकिता को झूठा कह रहे हैं। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे और दिव्यंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत टीवी इंडस्ट्री से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी दोनों ने। दोनों जी टीवी के पॉपुलर सीरियल पवित्र रिश्ता में नजर आते थे। इस तरह के सीरियल की शूटिंग करते हुए दोनों के बीच प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों 7 साल तक रिलेशन में थे। साल 2016 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। बाद में अंकिता लोखंडे ने अपने दोस्त विक्की जैन को डेट किया और 2021 में कहा जा रहा है कि शादी कर ली। विक्की जैन एक बिजनेसमैन है। वहीं अंकिता से ब्रेकअप करने के बाद सुशांत ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को डेट किया था। हालांकि जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत हो गई और उस मौत के बाद कई सवाल उठे, जिन सवालों का आज तक कहा जा रहा है कि
जो राज है वो खुल नहीं पाया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अंकिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर यहाँ पर क्या सही में सुशांत कोई दवाई अपने पास रखते थे? अब इसको देखा जाए तो इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लोगों ने आरोप लगाए, लोगों ने कहा जा रहा है कि उस आरोपों को लेकर ये बातें भी रखी सामने कि ऐसा कुछ नहीं था, ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है। लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया सामने रखी जिसके बाद कई सवाल उठे, उन्हीं सवालों के बीच में कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार ये जो मामला है इस मामले में क्या सच छुपा है, क्या नहीं छुपा है, क्या वो चीज निकल के आएगी बाहर, क्या नहीं निकल के आएगी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर जिस प्रकार ये चीजें निकल के आ रही हैं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा रही है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो खबरें अब फैलाई जा रही है, जो खबर निकल के आ रही है, इसमें अंकिता का एक दूसरा चेहरा भी लोगों के सामने निकल के आ रहा है। अंकिता लोखंडे को बिग बॉस में आने का मौका कैसे मिला? आखिरकार अंकिता लोखंडे बिग बॉस में आ जाती हैं तो क्या लोग उन पर आरोप ये लगा रहे हैं कि भैया आपने पलटी मारी सुशांत केस में, इसलिए आपको बिग बॉस में आने का मौका मिला? उस बिग बॉस में आने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उनके केस को लेकर, उनकी पुरानी यादों को लेकर लगातार अंकिता चर्चा कर रही हैं, तो लोगों ने उन पर आरोप ये भी लगाए, क्या वोट बटोरने के लिए ये आरोप लगा रही हैं? अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 3 साल में आपने कोई बड़े खुलासे नहीं करे, इस रियलिटी शो में आने के बाद ही क्यों आप ये खुलासे कर रहे हो? जिस रियलिटी शो में वोट के बलबूते में अगर जीतेगा कोई तो हो सकता है कि अंकिता जीत जाए, अगर वोट के बलबूते में कोई नहीं जीता तो मनोहर फारूकी भी जीत सकता है। अब पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा शो को, पर जिस तरीके से सुशांत को लेकर कई लोगों ने मजाक बना दिया है, सवाल ये नहीं है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा बोला ही क्यों जा रहा है। एक वक्त देखा जाए 3 साल पहले लोग कहते थे कि सुशांत को कोई भी ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद पलटी मार ली जाती है 3 साल के बाद, दवाई का नाम रिया चक्रवर्ती बता देती है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्या सही में ये सब लोग बेगुनाह हैं, क्या सही में इन सब लोगों को कुछ नहीं पता, क्या सही में इतने गंभीर आरोप जो लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों के द्वारा वो सब गलत बोल रहे हैं? तो कई सारी चीजें अपने आप निकल के आ रही है सामने, कई सारी चीजें सामने रखी जा रही है, सच क्या है झूठ क्या है इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। पर दूसरी तरफ सुशांत मामला और दिशा मामला, दोनों मामलों को लेकर बहुत सारी चीजें सामने निकल के आ रही है, दोनों मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब कब मिलेगा, कब सच सामने आएगा, इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। पर उम्मीद है जल्द ही बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी बाहर, जिसके बाद सच अपने आप सामने आ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज, इंस्टाग्राम का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके साथ जुड़िएगा, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।